चाइना, जहां पर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाले यूजर्स हैं। Of the number of internet users has grown, there have been some surprising changes, particularly when it comes to social media. जहां इंडिया में इंटरनेट यूजर्स का नंबर 90 करोड़ है, वहीं चाइना में ये नंबर 100 करोड़ तक जाता है। बट यहां पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि चाइना के इंटरनेट के मार्केट को इंडिया के इंटरनेट के मार्केट से अलग करता है, जो कि है चाइना की प्राइवेसी। जहाँ इंडिया में सोशल मीडिया को एक्सेस करने के लिए बाहर की बनी हुई सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का यूज किया जाता है, वही चाइना में ऐसी एक भी एप्लीकेशंस नहीं मिलेंगी जो कि चाइना के अलावा किसी और कंट्री में बनी हो। यहाँ तक कि वर्ल्ड के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल तक को चाइना में बैन कर दिया गया है। और चाइना का इंटरनेट इतना ज्यादा सिक्योर्ड है कि एक पर्सन के याहू मेल करने से उसे 10 साल की जेल की सजा मिल जाती है। और टाइम टाइम पे काफी सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को दुनिया की नजरों से गुमनाम तक कर दिया जाता है। तो आखिर ऐसा क्या राज है चाइना के इंटरनेट का, आज की इस वाली वीडियो में जानते हैं। तो हमें पहले से ही पता है कि चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा तानाशाही चलाई जा रही है ताकि वहां की गवर्नमेंट अपनी जनता के ऊपर कंट्रोल कर सके। और इसी तानाशाही के साथ यहां की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है यहां का इंटरनेट सेंसरशिप, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि उनके देश के लोगों को क्या चीज दिखाना चाहिए, क्या चीज नहीं, और कौन सी इन्फॉर्मेशन को लोगों के लिए एक्सेस कराना चाहिए और कौन सी नहीं, और किस टाइप की डेटा को लोग अपलोड या फिर डाउनलोड कर सकते हैं, ये सब कुछ इंटरनेट सेंसरशिप में डिसाइड किया जाता है। और इसी सेंसर के चलते हुए चाइना में वर्ल्ड की टॉप मोस्ट वेबसाइट को बैन कर दिया जाता है, जैसे गूगल, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और विकिपीडिया तक को बैन कर दिया जाता है। और मेजरली ये सभी वेबसाइट्स यूएसए की होती है। एक बहुत बड़ा रीजन जिसकी वजह से चाइना ने इन सभी वेबसाइट्स को अपनी कंट्री में बैन कर रखा है वो ये है कि ये सभी वेबसाइट्स उनकी यंगर पॉपुलेशन के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है। लेकिन वो कैसे, क्योंकि अगर वहाँ की यंगर पॉपुलेशन उन सब वेबसाइट्स का यूज करेंगे जिसपे चाइनीज गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, चाइनीज गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगी कि वहाँ के यंगर पॉपुलेशन को किस टाइप की इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, जिसके वजह से लोगों को वो सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि चाइनीज गवर्नमेंट दुनिया के सामने मैनिपुलेट करके दिखाती है। चाइनीज गवर्नमेंट अपने इंटरनेट यूजिंग पॉपुलेशन के ऊपर 24/7 नजर बनाए रखती है ताकि कोई भी चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन को ना तो पढ़ सके और ना ही लीक कर सके। और अगर आप चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी टाइप का मैसेज सेंड करते हैं तो वो मैसेज या तो सेंड नहीं होगा या फिर उस मैसेज के चलते हुए आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। अब चाहे आप उस मैसेज को डिलीट कर दो या फिर अपने फोन को रीसेट, गवर्नमेंट उस डेटा को दोबारा रिकवर कर लेगी। और चाइना की एक सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करे, कि चाइना दूसरे देशों को सर्विसेज प्रोवाइड करके दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे, जिससे हो गई कि चाइना से दूसरे देशों में पैसा जाने के बजाय दूसरे देशों से पैसा आएगा चाइना में, जो कि हम खुद भी देख सकते हैं कि इंडिया से लेकर के यूएसए तक हर कोई यूज कर रहा है चाइनीज प्रोडक्ट को। बट आज के टाइम पे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखा जाए तो ये एक बिंदास हब बन के रह गए हैं। हर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट की लाइनें लगी हुई दिखेंगी, जिनका मेनली ये पर्पस रहता है कि चमक दमक मार्केटिंग के थ्रू आपको उनके प्रोडक्ट चिपका दिए जाए। और इन सभी सेल्स का कुछ परसेंटेज ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मार्केटिंग फी के तौर पर ले जाती है, और इसी तरीके से आपकी कंट्री का पैसा किसी और कंट्री में चला जाता है। और यहाँ पर बात सिर्फ पैसों की ही नहीं है, आपकी कंट्री का डेटा तक ये सभी सोशल मीडिया जायंट्स अपने तरीके से यूज करती है। और ये वही डेटा है जो कि डिफाइन करता है कि आप कौन है, कहाँ है, क्या है, आप कितने टाइम तक इनके प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं और कब आपको कौन सी चीज देखनी पसंद है, सब कुछ इनके डेटा में डिफाइन होता है। और यहीं पर चाइना अपने पैसे और डेटा की वैल्यू को काफी अच्छे तरीके से जानता है, और इसी वजह से चाइना अपनी कंट्री से अपने यान को और अपने डेटा को बचाने के लिए अपने कंट्री को ही बाहर की दुनिया से आइसोलेट कर देता है, जिसमें बाहर की कंट्री के ऑप्शंस को बैन करके चाइना में सिर्फ चाइनीज प्लेटफॉर्म के ऑप्शन छोड़े जाते हैं, और इन सभी चाइनीज प्लेटफॉर्म के ऊपर चाइनीज गवर्नमेंट का कंट्रोल बनाया जाता है। तो अगर आपको यहाँ तक सुनकर ये लग रहा है कि चाइनीज गवर्नमेंट सिर्फ बिजनेस पर्पस के वजह से इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज नहीं करती है तो आप गलत हैं, क्योंकि जो मेन रीजन है जिसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट अपने बनाए हुए प्लेटफॉर्म का यूज करती है वो है मैनिपुलेशन ऑफ डाटा एंड मिसगाइड इंफॉर्मेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे ही COVID-19 के टाइम पे यूएसए में 825,000 लोगों की मौत हो जाती है, और वहीं चाइना में जो कि COVID-19 का एपी सेंटर होता है वहां पर 4,636 लोगों की COVID-19 की वजह से डेथ बताई जाती है, और वहीं जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से जो रियलिटी में डेथ होती है वो होती है 17 लाख लोगों की।
और इस डेटा को चाइनीज गवर्नमेंट इंटरनेट सेंसरशिप के थ्रू वहां से और पूरी दुनिया से छिपा देती है। जिन सभी रिपोर्टर्स ने इस टाइम पे हो रही सिचुएशन को दिखाने की कोशिश करी, उन सभी को मौत के घाट उतार दिया जाता है, ताकि रियलिटी को छुपा करके लोगों को वही दिखाया जाए जो कि वहां की गवर्नमेंट चाहती है। और इसी से रिलेटेड 1989 में जब स्टूडेंट्स ने टियानमेन स्क्वायर के सामने प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी। और वही चाइनीज गवर्नमेंट इस प्रोटेस्ट के ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए आर्मी और उनके टैंक से उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स की जान चली जाती है। और फिर इसके बाद जब दुनिया के सामने डेड बॉडीज का नंबर बताया जाता है, तब उसे रखा जाता है सिर्फ 241, जो कि द इंडिपेंडेंट मैगजीन की रिपोर्ट के थ्रू 10,000 निकल करके आती है। तो चाइना 1951 में तिब्बत के ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं, बट अब वहाँ पर अपना अच्छे तरीके से कंट्रोल बनाने के लिए वहाँ की संस्कृति मिटाना शुरू कर दिया है, जो कि करा जा रहा है तिब्बतन लैंग्वेज को रिप्लेस करके मैंडेरियन लैंग्वेज को वहाँ के बच्चों को सिखा कर। और इस चीज के बारे में वहाँ की मीडिया कवरेज में कुछ भी नहीं दिखाया जाता। और इसी तरीके से चाइना में ह्यूमन राइट्स के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट काफी सारे फुटेजेस देखने के लिए मिलते हैं। अंदर क्या चल रहा होता है ये किसी को भी नहीं पता चल पाता, क्योंकि दुनिया के सामने चाइना लोगों को सिर्फ वही दिखाना चाहती है जिससे कि वो एक सुपर पावर लगे। तो इन सभी चीजों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी टाइप की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।